हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर 35X का। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप इंक्यूबेटर देख रहे हो दोस्तों, ये 3500 वाली फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है। इसे ओपन करके मैं आपको बता दूँ, ये इसका पूरा कंप्लीट असेंबली दोस्तों, हीटर वगैरह, सेंसर, साथ ही दोस्तों इसके साथ आने वाले चीज़ें आपको बता दूँ, ये एक छोटा सा कन्वर्टर आया दोस्तों 150 वाट का। जी हाँ दोस्तों, इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप इसे कोई भी छोटी बड़ी बैटरी पे ऑन कर सकते हो, तो मैं आपको ऑन करके भी बताऊंगा। एक कैंडलिंग टॉर्च आता है दोस्तों, एक एसी पावर केबल आती है, फीडर और डिंकर आता है, स्प्रे करने के लिए एक बॉटल आती है और पानी डालने के लिए एक बॉटल आता है दोस्तों, तो यह सब सामान इसके साथ आता है। और ये इसका एक टर्नर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसे मैं आपको निकाल के बता दूँ, इसके एक ब्लॉक में 6 अंडे बैठते हैं, इसमें के अंदर 6 टर्नर है दोस्तों। इसका 35 का कैपेसिटी है दोस्तों, क्योंकि मोटर इधर एक साइड में लगा हुआ है। इसे मैं ऑन करके भी बताऊंगा, पहले आपको पूरा इंक्यूबेटर बता दूं। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे के ब्लॉक में आपको पानी रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, पानी से ही ह्यूमिडिटी बनता है करके नीचे के ब्लॉक में पानी रखना है, उसके ऊपर ये वाला आपको जाली रख देना है, फिर इस ट्रे को अंदर डाल देना है दोस्तों, और इस ट्रे का जो कनेक्शन है वो असेंबली के साथ आपको कर देना है। कनेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इसके अंदर सॉकेट को एक दूसरे के साथ फंसाना है, यह अपने आप कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे आपको ऑन करके बता दूं, ये इसकी पावर केबल है दोस्तों, इसे मैं डायरेक्ट प्लगिंग कर रहा हूं और इसको यहां पे लगा देता हूं सॉकेट में। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है दोस्तों ऑन ऑफ के लिए, आप यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरी तरह से ऑन हो गया है। टेम्परेचर इसके अंदर अभी चल रहा है दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस, और इसके जो एग रोटेटिंग टाइमिंग है वो 90 मिनट का है दोस्तों। 90 मिनट बाद में, यानि 1.5 घंटे के बाद ये एक ऑटोमेटिकली रोटेट करता है दोस्तों। मैंने बोला नीचे पानी रखना है और इस ट्रे में आपको अंडे रखना है और बस इस ढक्कन को लगा देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सब काम टोटली मशीन करेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा काम मशीन करेगी। और इसका जो साइज है दोस्तों वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है, आप इसे अपने घर में कहीं भी इजीली रख सकते हो। आप इसकी हाइट देख सकते हो, मात्र इसका हाइट 8.5 इंच यानी लगभग 9 इंच के बराबर है दोस्तों। इसकी लेंथ आप देख सकते हो 16 इंच। जी हाँ दोस्तों, ये 16x16 इंच का छोटा सा इंक्यूबेटर है दोस्तों, 35X का फुल्ली ऑटोमेटिक। ये देखिए दोस्तों, अभी इसके अंदर का टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, आपने देखा पहले 30 था, अभी 31.4 हो गया है और टाइमिंग अभी कम हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे सेट वाली बटन है, यहाँ पे प्लस माइनस की बटन है, इससे आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ये देखिए 37.8 इसके अंदर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उसके बाद में ह्यूमिडिटी इसके अंदर 60 सेट की हुई दोस्तों। आप इसको प्लस माइनस से कम ज़्यादा कर सकते हो, और अभी 85 मिनट यानी 85 मिनट के बाद में, 84 मिनट के बाद में इसका अंडा एग रोटेट होगा। तो अगर इसे आपको अभी तुरंत रोटेट करना है तो आप प्लस वाली बटन ऐसी दबा दीजिए। ये देखिए टर्निंग ट्रे रोटेट होना शुरू हो चुका है, क्लियर देखो। ये देखिए दोस्तों, टर्नर पूरी तरह से घूम रहा है, आप इसे जब चाहो तब तो घुमा सकते हो, वैसे ऑटोमेटिक अपना वर्क तो करेगा ही। और ये एक बेहतरीन इंक्यूबेटर है दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है वो लगभग दोस्तों कम से कम 60% और मैक्सिमम 91% तक आता है। अभी ये फिलहाल दोस्तों बिजली पे ऑन है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मैंने बोला इसके साथ दोस्तों एक छोटा सा 150 वाट का कन्वर्टर आया है, तो इसे इस पे ऑन करके बताता हूँ दोस्तों। इसके लिए सीधा सीधा फंडा है, कॉर्ड आपको यही यूज करना है पावर वाली, और बट ये पावर में ना लगाते हो, इसके पीछे लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, और ये जो इसके साथ दो सॉकेट आए दोस्तों, ये आप कोई भी छोटे बड़े बैटरी को लगा सकते हो। आपके यहाँ पे बिजली की जितनी समस्या है उतनी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास ये 12x12 का 12 वोल्ट 12 एम्पेयर एग्रीकल्चर पंप का छोटा सा बैटरी है, आप इसकी जगह टू व्हीलर का भी कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी यूज करके इंक्यूबेटर को ऑन कर सकते हो, अगर आपके पास कन्वर्टर है तो। ये कन्वर्टर इसके साथ आया था दोस्तों,
वैसे मार्केट में बहुत सारे कन्वर्टर आते हैं, ओसवाल के, राणा जी के, ये 200 वाट का कन्वर्टर है। आप ऐसे कोई भी कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप इस इनक्यूबेटर को बैटरी पे चला सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस वाली वायर प्लस को ही लगनी चाहिए, माइनस वाली वायर माइनस को ही लगनी चाहिए। अगर इसमें आप क्रॉस कर देते हो तो कन्वर्टर शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको वायरिंग सही तरह से लगाना। ये देखिए मैंने माइनस वाला वायर लगा दिया, प्लस वाला वायर भी लगाऊंगा, और ये लूज नहीं रहना चाहिए दोस्तों, इस पे ध्यान रखना, ये लूज नहीं रहना चाहिए और क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये देखिए बैटरी पे इनक्यूबेटर ऑन हो चुका है कन्वर्टर के माध्यम से, तो आप इसे इमरजेंसी में बैटरी से भी चला सकते हो। अभी मैं इसे बंद भी कर दूं, ये देखिए ये बैटरी से ही ऑन था, बंद कर दूं। इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, यह मात्र 7,000 रुपये का फुल्ली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे डायरेक्टली मंगा सकते हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।